खोवा बनाने पे आप कुछ बोलना चाहेंगी मम्मी? जैसे अगर एक पाव खोवा चाहिए तो कितना दूध का बनाना पड़ता होगा? हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार मेरे चैनल रश्मि स्पार्कल लाइफ में। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, कुछ खाने पीने से रिलेटेड होने वाला है। तो आज के व्लॉग में कुछ स्पेशल बनने वाला है जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। तो व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखें भाई, तभी तो पता चलेगा कि मेरा फेवरेट क्या है। और चलिए फिर आगे चलते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं ऐसे ब्लैक एंड वाइट क्यों दिख रही हूँ, तो एक्चुअली नहीं पता, बिना फ़िल्टर के आज मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ब्लैक एंड वाइट ही कर लिया। और फ़िल्टर भी मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ब्लैक एंड वाइट शूट किया जाए। सो चलिए फिर देखते हैं क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि दूध चलाते चलाते अब खोवा का रूप ले रहा है धीरे धीरे। और सॉरी, मैं स्टार्टिंग की वीडियो नहीं ले पाई, मैं कहीं और बिज़ी थी थोड़ा सा। तो अभी इसे थोड़ा सा और चलाएंगे तो ये खोवा बन जाएगा। और यू नो व्हाट, गांव का प्योर प्योर खोवा, प्योर दूध का प्योर खोवा होगा। और ये इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हमारे घर में कल बनने वाली है गुजिया। तो खोवा बनाने पर आप कुछ बोलना चाहेंगी मम्मी? इधर देखो कुछ बोल। अच्छा बस ये बता दो, खोवा कैसे बनाते हैं? हाँ, खोवा इसे बनाओ, जैसे बनाने लगे ऐसे बना जाता है। कैसे? जोर से बोलो। डालो दूध को फिर चलाओ, है ना? चलाते ऐसे बन जाता है खोवा। जैसे अगर एक पाव खोवा चाहिए तो कितना दूध का बनाना पड़ता होगा? इसमें एक पाव खोवा में, हाँ, 2 लीटर डालिए, है ना? एक पाव बन जाएगा। अभी और 3-4 लीटर दूध है, 4 लीटर दूध है ये, तो समझ लो आधा किलो। हाँ, आधा किलो से ऊपर बनेगा। हाँ, आधा किलो से ऊपर ही बनेगा खोवा। तो आप फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यही आधा किलो एक किलो खोवा लेने अगर हम मार्केट में जाते हैं तो आई थिंक दैट आप सभी को रेट पता होगा कि कितने का होता है। तो खोवा बनने के बाद मिलते हैं, और फिर जब हम गुजिया बनाएंगे तो फिर व्लॉग ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा खोवा बनकर रेडी है। अब इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स और मसाला वगैरह ऐड करना है वो करेंगे, लेकिन अभी रात हो चुकी है तो अब कुछ नहीं करेंगे, इसे रख देंगे फ्रिज में और कल बनेगा हमारा गुजिया। तो फिर मिलते हैं कल। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है और खाना वाना बनने के बाद आटा लग गया है, मीन्स मैदे का मोइन डाल के, और ये मसाला भी रेडी है। अब हम बेलना स्टार्ट करेंगे और भरना स्टार्ट करेंगे। यार, मेरे गांव में बहुत ज़्यादा मक्खी है, मतलब मैं बहुत गंदा परेशान हो गई हूँ मक्खी लोग से। जहाँ बैठो नहीं वहीं आ जाते, और सिर्फ मेरे यहाँ नहीं, यहाँ सबके यहाँ यही हाल है। मीन्स आप देख पा रहे होगे कितनी मक्खी उड़ रही है, बट हमने सारी चीज़ों को ढक के रखा है, सारी चीज़ों को, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो फिर काम हो जाता हमारे गुजिया का आज। तो मैं बेल बेल के देते जा रही थी और मम्मी उस पे सांचे में भर के, मसाला भर के उसे कर रही थी। तो ये मम्मी की ड्यूटी थी और मेरी ड्यूटी थी बेलने की। तो मेरी ड्यूटी हो चुकी है और बेलना जल्दी हो जाता है, और मम्मी भर रही हैं। और ये हमारी गुजिया है, आप देख सकते हो हमने ढक के रखा हुआ है। मैं वीडियो लेने के लिए सिर्फ उठाई हूँ ये, फिर ढक दी, मतलब बहुत गंदा परेशान है मक्खी से। ठीक है, खैर क्या कर सकते हैं। आप लोगों के पास मक्खी भगाने का कोई घरेलू उपाय है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ज़रूर। तो फ्रेंड्स, हमारी गुजिया बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी बनी है क्योंकि हमने खा के भी देख चुका है, तो मज़ा आ गया आज गुजिया बनाने में और गुजिया। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। होपफुली आपको व्लॉग पसंद आया होगा,
और अगर व्लॉग पसंद आया तो शेयर करना नहीं भूलना है। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई, एक्चुअली गुजिया तलते समय की वीडियो मैं नहीं ले पाई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए, सॉरी। बट आई नो दैट सबको तलने आता है गुजिया, तो भाई क्या दिक्कत है फिर। और व्लॉग पसंद आया तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।